Hello friends, welcome again to the World of Maths by Amir. In this learning session, we'll learn how do we solve this question. One of the famous questions for the CMAT, SNAP, SSC, banking and many other aptitude examination. So I would suggest, please pause the video and solve this question. I hope many of you are able to solve the question. मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसको सॉल्व किया है. तो इसे देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है. We must know 3² 6² and 9² series problem. हमें 3² 6² और 9² के सीरीज के स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए. 3² होता क्या है? 09. 6² क्या होता है? 36. 9² क्या होता है? 81. अगर आप गौर से देखो तो इनका समेशन 9 है. सो अगर आपका समेशन 9 यहाँ पे दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर का, तो दे हैव सम कॉमन फीचर. अगर मैं आपसे पूछूं 33² कितना होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, 0 और 9 को एक्सपेंड करना है, इसको एक इंक्रीज करना है, इसको एक डिक्रीज करना है. सो अगर आप एक इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा 1, और एक डिक्रीज करो तो कितना हो जाएगा 8. सो 33² इज द 1089. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप 3 का स्क्वायर लिखो 09, 0 को 1 इंक्रीज करो तो 1 होगा, 9 को 1 डिक्रीज करो तो 8 होगा. एंड आपने यहाँ कितनी बार लिखा है? 2 बार 3 लिखा है, तो आप सिंगल बार 1 सिंगल बार 8 लिखोगे. मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा. तो आप 36 को एक्सपेंड करो, इसको 1 इंक्रीज करो, इसको 1 डिक्रीज करो, आपका हो जाएगा 99² में क्या होगा, दैट इज 81 को स्प्रेड करो, इसको 1 इंक्रीज करो, इसको 1 डिक्रीज करो, तो आपका हो जाएगा 99² इज 9801. अगर आपसे पूछा जाए 333², तो अगेन आपको 09 को एक्सप्रेट करना है, इसे इंक्रीज करना है, बट 2-1 लिखना है. ऐसा क्यों? बिकॉज अगर आपके पास 3 times ये दिखता है, तो यहाँ पे 2 times डालिए और 2 8 डालिए. सेम अगर आपको 666 को एक्सपेंड करना है, तो आप 36 लिखो, 3 को एक इंक्रीज करके 4 लिखो, बट 4 को 2 ही बार लिखो, बिकॉज 6 3 बार लिखा हुआ है. इसको 1 डिक्रीज करके 5 लिखो, कितनी बार? 2 बार. आप 4 या 5 उतनी ही बार लिखोगे जितनी बार ये लिखा हुआ, बट उससे कम. अगर 999 पे वो काम करने को बोला है आपसे, तो 81 लिखिए, इंक्रीज करके 9 लिखिए, बट यहाँ अगर 3 9 है तो 2 9 लिखना है, इसको एक डिक्रीज कीजिए और यहाँ 2 0 लिखिए. तो आपका 81 तो कॉमन होगा, नंबर ऑफ 9 एक कम होती है यहाँ पे जो 9 लिखते हैं, एंड 0 और 9 की संख्या उतनी ही होती है. तो अगर मैं आपसे पूछूं 3 3 3 3 3, अगर ये 5 बार आया है तो मैं 09 लिखूंगा, ये 5 times आया है तो मैं 1 को 4 times लिखूंगा. 9 जो होगा एक डिक्रीज होगा और ये भी 4 times जाएगा. सो 4 times 1 0, 4 times 8 9, आपका इसका स्क्वायर होगा. अगर आपसे पूछा जाए 6 times 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप 36 लिखिएगा, इसको एक इंक्रीज करके 4 बनाइएगा, बट यहाँ पे 4 6 है, तो यहाँ पे आप 3 ही बार 4 लिखिएगा, और इसको एक डिक्रीज कीजिएगा और 3 ही बार 5 लिखिएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है. अगर मैं आपसे पूछूं 9 अगर 7 times आया हो तो इसका स्क्वायर क्या होगा, सिंपल सी बात है, 9 के लिए मैं लिखूंगा 81, इसको इंक्रीज करूंगा, और ये 7 times आया है तो मैं 6 times यहाँ पे 9 लिखूंगा, एंड ये 6 times यहाँ पे 0 लिखूंगा. तो हमें करना कुछ नहीं होता है, हमें इसको एक इंक्रीज करना होता है, और उतनी ही बार लिखनी होती है जितनी बार ये दिखा है, बट एक कम, एंड 0 और 9 उतनी ही बार आती है. तो आई होप ये क्लियर है. सो हम इसे रिवर्स सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पे देखिए आपका क्या है, 36, तो इसका मतलब ये 6 होगा, 4 जो लिखा हुआ है 3 बार, तो मतलब 6 4 बार होगा अगर आप गौर से देखो तो. इसमें कुछ भी नहीं है, जितनी बार 6 लिखी होती है उससे एक कम 4 होता है, यहाँ 3 बार 6 लिखी है तो यहाँ 2 बार 4 लिखा है. यहाँ पे आप देखिए 09 है, तो आप क्या कीजिएगा, आप 3 लिखिएगा, और एक कितनी बार आया है, 3 बार, तो 3 को आप कितनी बार लिखिएगा, 4 बार, एंड इस दोनों को समीशन करके स्क्वायर निकालना है. अगर आप दोनों को ऐड कीजिए तो ये आपका दिखेगा क्या, 9 4 times एंड स्क्वायर. 9 अगर 4 times दिखता है तो सिंपल मुझको 81 करना है, एंड ये 4 times दिखा है तो 9 3 बार दिखेगा, 0 भी 3 बार दिखेगा. सो ये इसका आंसर है, और ये बहुत बार दिखता है आपके SSC, स्नैप, नासी, मुंजी, बैंकिंग, जो कि फेमस है कैलकुलेशन के लिए, या ऑल एप्टीट्यूड, एंड ये जो भी है इट्स ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशन. सो वी हैव अ लॉट ऑफ सीरीज विच हेल्प्स आर कैलकुलेशन इफ वी ऑब्जर्व देम केयरफुली. तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सीरीज हैं, अगर जिसे हम ऑब्जर्व करें तो हम बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं.
तो आपके कैलकुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका ऑब्जर्वेशन भी इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन के लिए। तो आई होप ये क्लियर है, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू पिंग मी इधर ऑन इज दिस चैनल और ऑन फेसबुक। ओके थैंक्स बाय एंड हैप्पी लर्निंग। Hi guys, do subscribe our channel and hit the bell icon to never miss out any update.